और भाई क्या हालचाल। तो चलिए आज मैं आपको एक मोबाइल में दो स्क्रीन चला के बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले अपने भाई का नाम जान लो, मैं 31 वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपको जो भी दो स्क्रीन चलानी है तो उसके लिए मैं आपको क्या है, दो तरीके बताऊंगा। एक तो बताऊंगा विदाउट ऐप। अब जिन लोगों के फ़ोन में ये फैसिलिटी नहीं है उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि आप इस ऐप से आप अपने फ़ोन में दो स्क्रीन चला सकते हो एक साथ। और जिन लोगों के फ़ोन में ये फैसिलिटी है वो इस टाइप से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में आना है, ठीक है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको आपके मोबाइल में एडिशनल सेटिंग होगी वैसे तो पक्का, ठीक है। तो आपको अगर नहीं मिलती है तो आपको आपके फ़ोन में एसेबिलिटी, मैंने अपने एडिशनल सेटिंग में गया और वहाँ पर देखिए मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है एसेबिलिटी, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है मोर डाउनलोड सर्विस, तो ठीक है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। तो इसको मैं ऑन कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया तो देखिए ये स्प्लिट स्क्रीन हो चुकी है। अब इसको मैं सेटअप करूँगा कि कैसे इसको यूज करना है। तो देखिए मेरे को यहाँ पर दो चीज़ें चलानी है। तो देखिए पहला मेरे को चलाना है यूट्यूब, ठीक है। तो ये मैं यूट्यूब ले लेता हूँ ऊपर, और दूसरा मेरे को चलाना है मेरा व्हाट्सअप, ठीक है। तो मैं एक मेरे पास चार व्हाट्सअप है तो एक व्हाट्सअप ये रहा, तो मैं इस व्हाट्सअप, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है। अब चलिए मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो आपको क्या ये जो अलग से स्क्रीन बची हुई हैं इनको आपको कर देना इधर साइड कर देना, हटा देना। अब आपको जो भी दो स्क्रीन चलानी है एक साथ उन दोनों स्क्रीन को आपको ऐसे रख लेना है। अब उसके बाद देखिए आपको एक ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने कर दिया। अब देखिए ऊपर लिखा रहा है होल्ड द ऐप एंड ड्रैग। अब जिस भी स्क्रीन को आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो आपको उसको एक बार दबा के रखना है और ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये ऊपर मेरा YouTube हो चुका है और नीचे देखिए ये वाला ऑप्शन हो चुका है। इधर से मेरा WhatsApp चल जाएगा और इधर से मेरा देखिए ये YouTube चल रहा है। तो देखिए इस टाइप से मेरा ये स्क्रीन है चालू हो चुका है। देखिए इधर से मैं इधर से बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से ही रिप्लाई दे सकता हूँ, यहाँ से ही कोई भी सकता हूँ, ठीक है। तो यहीं से मेरे को कीबोर्ड इसके लिए भी यूज हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए भी सर्च कर लेना है। तो देखिए यहाँ से, तो देखिए मैं इसको रिप्लाई यहाँ से भी दे सकता हूँ। तो इस टाइप से देखिए ये मेरे दोनों स्क्रीन चल रहे हैं। तो यार उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, तो एक लाइक तो बनता है यार, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए तो अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर आप लोगों के फ़ोन में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप कैसे करोगे। तो आपके लिए देखिए प्ले स्टोर पर जाना है, देखिए, ठीक है। तो पहले मैं इस स्क्रीन को तोड़ देता हूँ, ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ और इस स्क्रीन को भी मैं फुल साइज में कर लेता हूँ। तो एग्जिट किया मैंने और ये देखिए तो मैं बाहर आ गया। अब देखिए अब मेरे को प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद मेरे को एक ऐप है, मैं उस ऐप को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा उसका, या फिर आप सर्च कर लेना स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। तो ये स्क्रीन है, तो आपको देखिए यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो आप भी कर लेना। तो देखिए ये मैंने करके रखा है और इस पर तो इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे तो कुछ परमिशन मांगेगा, तो मैंने पहले से दे रखी है, तो आप कर देना उसको, ठीक है। यहाँ पे आप शॉर्टकट करोगे, ठीक है, कर लेता हूँ। सबसे पहले ये मैंने किया, और फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको वो नाम रखना है, वो ऐप का नाम रखना है जिसको आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए मैप, तो मैं देखिए फेसबुक मैंने कर लिया फर्स्ट वाले पर, और सेकेंड वाले पर कर लेता हूँ मैं मैसेंजर लाइट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने मैसेंजर लाइट यूज कर लिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। पहले कुछ नाम रख के माय रखा मैंने बस ओनली, और ये मैंने शॉर्टकट करके रख दिया। अब आपको करना क्या, देखिए अब वो इधर आ चुका होगा, ठीक है। तो ये देखिए आ चुका है, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक से मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए मेरा फेसबुक चालू हो चुका है ऊपर, और नीचे देखिए मैसेंजर चालू हो चुका है, देखिए, और ऊपर देखिए ये मेरा फेसबुक भी चालू है, और नीचे देखिए
तो इस टाइप से देखिए आप दोनों ही तरीके से कुछ भी कर सकते हो, शॉर्टकट बना के रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन को तोड़ भी सकते हो, इधर से कहीं भी जा सकते हो गेम वाले ऑप्शन पर। तो ये आप जब फेसबुक चलाया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे की किया। तो उम्मीद है यार वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इस टाइप का लेटेस्ट वीडियो का अपडेट। मैं यहाँ पे एक नाम सर्च कर लेता हूँ, तो ये मैंने रख लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लोडर लगाता हूँ। देखिए तो मैं यहाँ पे एक लोडर लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑटो लोडर है। ठीक है, तो मैं ऑटो लोडर को पहले ओपन कर लेता हूँ। ठीक है तो ये मैं इसके एक्सेसिबिलिटी पे गया और इसको मैं जाके पहले मैं यहाँ से लोडर को चालू कर लेता हूँ। तो ठीक है, ऑटो क्लिपर को मैंने यहाँ से इसकी परमिशन को मैंने अलाउ दे दी। ठीक है, और चलिए तो मैं इसके इंस्पेक्शन पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मल्टी टारगेट मैंने यूज कर लिया। तो अगर आपको नहीं पता कैसे लोडर लगाते तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना के रखा। तो ये आ चुके हैं मेरे वो दूसरी वाली स्क्रीन। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से लोडर चॉइस कर सकता हूँ और ऊपर या फिर फेसबुक की जगह पे कोई और वो रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोडर लगाते हो तो यार क्या करते हो कि आप लोग बोर हो जाते हो। ठीक है, आपके मोबाइल में आप कुछ कर नहीं पाते तो क्या करना है। ठीक है, तो आपको बस इस टाइप से ये लोडर को सेट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने ये क्लिप बोर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए एक कीबोर्ड था मेरे पास। ठीक है, तो मैं उस कीबोर्ड को यूज करता हूँ। तो ये वो कीबोर्ड है। ठीक है, तो ये वो कीबोर्ड है और यहाँ से मैं देखिए लोडर लगा दूंगा। तो देखिए ये मैं वो लोडर लगा दूंगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से वो लोडर चलता रहेगा और ऊपर जो मेरी जो स्क्रीन है वो भी चलती रहेगी। ठीक है, तो ऊपर आपको कोई भी गाना प्ले कर देना है, वीडियो देख सकते हो। अगर आप उसमें कुछ ऊपर टाइप करने की कोशिश करोगे तो यार ये लोडर हट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोर हो रहे हो लोडर के टाइम पर, आप सोचते हो यार मोबाइल को रख दिया मैं करूँ क्या, तो ऊपर आप यूट्यूब को चालू कर सकते हो यूट्यूब। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब को चालू नहीं रखना चाहते और आप चाहते हो पूरे स्क्रीन पर लोडर चले और मैं कुछ और चलाऊँ यूट्यूब की जगह पर फिर क्यों, तो आपके लिए मैं एक और चीज़ बताऊंगा इसके बाद, अगर नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आऊँगा। तो आप सबसे पहले आपको देखो लोडर लगाना कैसे सीखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे लोडर लगा लेना, ऊपर अगर YouTube चल रहा है तो आप चला लेना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं देखो YouTube ही सेट कर लेता हूँ ऊपर जाके। तो देखिए मैं यहाँ YouTube वाले इस वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं क्या करता हूँ, तो देखिए मैं लोडर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये गया ऊपर, आप यूट्यूब रख लेना क्योंकि आपको बोरिंग फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने किया और ये देखिए यहाँ से इसका लोडर भी चल रहा है और ऊपर आप कुछ भी करते रहिए, आप अपने यूट्यूब पे कुछ भी कर सुनते रहिए, वीडियो देखना देख सकते हो उतनी स्क्रीन में। तो मेरी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है तो इसलिए कम दिख रहा है, आपको ज़्यादा दिख जाएगा। और आप चाहते हो कि ये लोडर दिखे ना आपको और लोडर बैक में चलता रहे तो आप बैक में चलता रहेगा। आपको क्या करना है, आपके लिए एक ऐप और है, मैं उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो देखिए वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इस टाइप का लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखिए लोडर भी चल रहा है और पीछे मैं अगर यूट्यूब चलाऊँ तो यूट्यूब भी चला सकता हूँ, उसको शॉर्टकट ऐड करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो यार यूट्यूब का सेटअप कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको वीडियो में बता ही दिया हूँ, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा। तो देखिए लोडर भी चल रहा है मेरा, ऊपर मैं फेसबुक भी चला सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो यार उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है यार, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इस टाइप का लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई किसी ने नहीं बताया होगा।